कार्टून भी है ठीक है। कितना हुआ बता बोल। और ये हलवा आज फ्री से लेकर आदमी का आदमी का बीस का है सही है ना। बस बस वो मत ले आगे ये देख यहाँ पर नहीं ये कट करके देना एक खाने के लिए ले आगे चल आगे चल दो कैंची लेने बोला नहीं एक को एक ही देंगे एक एक बड़ी बड़ी ले एक बॉक्स है ना लेकिन ये अच्छा बन जाएगा मुझे अच्छी हाँ कच्ची है पर ये वाली नहीं ये पकती है ये देख कितनी जैन ये डालना जैन आ इधर आ टेबल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आए थे अलखरज बच्चों को लेकर स्ट्रॉबेरी फार्म पर। बहुत खूबसूरत है आप देख सकते हैं, आप अगर यहाँ पर आओगे ना तो बहुत इंजॉय करोगे, इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पर सब ब्लैकबेरी के पौधे हैं छोटे छोटे से, जो कि आप ले सकते हो। एक बॉक्स है 20 रियाल में, 20 रियाल में ना आप एक बॉक्स ले सकते हो। जो भी आप लोगे, स्ट्रॉबेरी भी जो मैंने ली थी वो एक बॉक्स थी 20 रियाल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ऑर्गेनिक है। अगर हम लूलू में लेने जाएंगे तो वो 3 रियाल में आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, मगर वहाँ पर आप देखोगे ऐसी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी होती है, मगर यहाँ पर ना ऐसी छोटी छोटी सी और इतनी मीठी थी। और ये ब्लैकबेरी जो थी ना ये यहाँ पर तो कच्ची थी, मगर अंदर जो है ना इसके जो पौधे में लगी हुई थी वो पूरी पकी हुई ब्लैक हो चुकी थी। यहाँ पर ये सब अंजीर लगी हुई है, यहाँ पर देखिए ये पानी है, वो ऊपर से जो है ना वो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे एसी चल रहा है। ये देखिए यहाँ से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जो कि ये पौधों पर ना जा रही थी, इसकी वजह से ना, वरना बाहर तो बहुत धूप है, इसकी वजह से ये इतने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। ये है मिंट यानी ये है पुदीना, इतनी खुशबू आ रही थी यहाँ पर। और ये है पासले, ये देखिए नाम भी लिखे हुए हैं इन्होंने, और आप ले सकते हो, मतलब कि तोड़कर आप ले सकते हो। और उसके भी सबके ना प्राइस अलग अलग है। यहाँ पर ना बहुत सारी सब्जियाँ थी, और ये देखिए ये है छोटी छोटी सी भिंडी, कैसा है ये एक थैली डब्बा 5 रियाल में बेचता हूँ आपको देखना है, एक ले लो। सब चीज ले सकते हैं 5 रियाल में, सब में वो जो टेबल में सजा हुआ है। ये क्या है? टमाटर है, चेरी खा के देखो, टमाटर खा के देखिए ऊपर से लाल वाला। हाँ ये देखो कितने अच्छे टमाटर छोटे छोटे से, ये मैं खा ये क्या चीज है? ये खास सलाद है। बैगन का है, बैगन देखो देखना ब्लैक है। हाँ ये फ्रेश बैगन है। ये टमाटर कितने के है? चेरी टमाटर भाई, चेरी टमाटर कितने का? ये ले लेते हैं अपन, देखो फ्रेश ककड़ी ला रहे हैं। ये कितने की देंगे? फ्रेश फ्रेश एकदम, ये ले लेते हैं ना अपन। शहतूत है, ब्लैकबेरी है, बनाना एक प्लीज। नहीं तोड़ सकते, मगर मुझे ऐसा लगा शहतूत जैसा। मिर्ची देखो क्या, एलोवेरा है ये। हाँ स्ट्रॉबेरी टमाटर ले लो ना 5-4 का, ये हमारी है। अब
जैनब कितने की है ये? 5 साल की? नहीं 5 की तो एक बताओगे भाई? एक देख ले, कॉली है क्या? मैं देखना, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, नरम है। क्या लूँ? फ्रेश है, इतनी सी है ना 5 साल की तो। ये कितने की है पूरी? ये पूरी कितने की मिलेगी भाई? ये पूरा देखिए ये भी है, फ्रेंच बीन भी है। ये 2 किलो आएगा भाई, 20 रियाल भाई। ये फ्रेंच बीन भी फ्रेश है क्या? हाँ फ्रेश है, सब फ्रेश है। एक बताओ, कोई भी सामान बांग्लादेश का। आप कितने साल से यहाँ पे काम? भाई ये बताओ, 1 साल से काम। ये क्या बोल रहे हो आप? ये क्या है? ये पानी गर्म करके ये निकाल देना चाहिए मालूम है। अच्छा, ये पत्ते डालने का? बस ये डालने के। कितना डालने का छाया आएगा देखो भाई, इसका नाम क्या है? पर ये तो रोसली। हाँ रोसली। अच्छा कितना डालेगा तो चाय बनेगा? एक मुझे देंगे, एक मुझे देंगे, ये एक दो ना मुझे, एक में तो नहीं आएगा। तो इसके अंदर चाय नहीं डालने का, बस ये पत्ते डालने का। गर्म पानी, गर्म पानी करना चाहिए। ये रखो जरा, देख डाल के चाय की तरह उबलना, लाल लाल हो जाएगा। और ये शिमला मिर्च भी 5 है ऑर्गेनिक, एकदम छोटी छोटी सी। वहाँ पे आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं इधर 1 साल से काम। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, अच्छा। अरे एक मिर्ची देख, वाह कितनी अच्छी। ये नहीं, ये शिमला मिर्च है, नहीं हरी मिर्च है, देख रहे ये देख कितनी अच्छी हरी मिर्च है। फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी भैया। एक तो लू देखने, देख यहाँ पर भी है। ये साइड ना पूरे अंजीर के झाड़ है, और आपको देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि कच्चे हैं अभी, और काफ़ी बड़े बड़े थे। और जब हमने खोला उसे, मतलब कि वो भाई ने कहा कि आप खोल कर देखिए, एकदम पके हुए हैं और बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर ना फ्रेश वाले पुदीने हैं, इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि नींबू पानी बना लो, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, तो पुदीने की खुशबू से ऐसे लग रहा था कि फ्रेश वाला नींबू पानी बनाओ, या फिर घर जाके दाल चावल के साथ पुदीने की चटनी पीस कर खाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए, मैंने वो भाई से थोड़ी सी इजाज़त ले ली, और थोड़ा सा पुदीना और पार्सली मैंने ले लिया, हरा धनिया यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना थोड़े से ये
मंकी है और यहाँ पर मोर भी थे, पैरट भी थे, थोड़े बहुत ना यहाँ पर जानवर भी रखे हुए थे, जिसको ये सब चीज़ों को देखकर ना बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मगर यहाँ पर गर्मी है इस वक्त, और जब भी आप यहाँ पर जाओ ना तो कुछ खाने पीने की चीज़ें घर से लेकर जाओ, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं है पानी के सिवा। हमें नहीं पता था तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लेके गए, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, मगर एक शॉप थी छोटी सी जहाँ पर आपको जो है ना वो ब्लैक टी और पानी मिल रहा था और कुछ भी नहीं था। बाकी जो लोग थे ना उन्होंने अपने घर से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी हम यहाँ पर आएंगे ना तो फिर घर से कुछ ना कुछ बना कर लाएंगे। नमाज़ वग़ैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, जैसे असर हमने यहीं पर आकर अदा की तो वॉशरूम वग़ैरह भी है, आप वज़ू वग़ैरह भी कर सकते हैं। बैठने के लिए भी यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, बड़े बड़े फ़ैन भी है जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, मतलब अच्छा आराम से आप बैठ सकते हैं। और उस साइड जो है ना ये देखिए ये बेर के झाड़ है जिसे आप तोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कुछ तो यहाँ पर कच्चे हैं और कुछ जो है ना वो पक्के हैं। बस खाने का जो है ना यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा खाने पीने के लिए। अगर तो आप घर से आ रहे हो तो कुछ ना कुछ लेकर आओ, और काफ़ी टाइम तक आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब एक बार जब आप अंदर आ गए तो आराम से आप अपना दिन गुजार सकते हैं। यहाँ पर ना पीछे वाले साइड पर अभी मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे से टेंट भी हैं, मुझे ऐसे लग रहा था शायद उसका कोई किराया है मगर वो फ्री है, आप वहाँ पर खाना वगैरह भी बना सकते हो लाकर, तो अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। खेलने का भी जो है ना उस वाले साइड पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पर बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बस हम यहाँ पर 2-3 घंटा बैठे, स्ट्रॉबेरी ले ली और थोड़ी सी वेजिटेबल ले ली, और फिर देखिए जैसे मैं आपको कह रही थी टेंट तो ये है छोटे छोटे से टेंट, और यहाँ पर कुछ फैमिली भी रुकी हुई है, देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं और बड़े भी जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि है ना ये एकदम साइड पर है तो आराम से यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं। जो रियाद में रहते हैं वो यहाँ पर जाइए, विज़िट कीजिए, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो कमेंट्स में मुझे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तब तक के अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।